और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को बताया काला कौआ। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में काला कौआ की एंट्री हो गई है और सिंधिया ने बताया खुद को काला कौआ। सिंधिया ने कांग्रेस को काला कौआ वाली धमकी दी और चुनावी सभा में सिंधिया ने खुद को काला कौआ कहा। झूठ बोले, कौआ काटे, काले कौए से डरिए, मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ हूं, ये तमाम बातें कहीं और ये बयान दिया। ये तमाम बातें चूंकि तंज कसते हुए पार्टी पर कहीं है और कांग्रेस पर हमला भी बोला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। पुरानी कहावत है, झूठ बोले, झूठ बोले, काले कौए, मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ हूं।